चलो, पाया मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन, डर्मा मतलब स्किन। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्किन की किसी भी लेयर में होगा तो उसको बोलेंगे पायोडर्मा। ये इन्फेक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है, जैसे स्किन है, स्किन के अंदर सब ये डर्मिस है, डर्मिस के अंदर एपिडर्मिस होगी, एपिडर्मिस के अंदर जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होगा इसके अंदर फिर मसल्स आएंगी। तो डर्मिस, एपिडर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू, यहां तक डीप में कितना भी इन्फेक्शन हो, किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो, चाहे वो एक सिंपल सा बॉइल हो, चाहे वो डिफ्यूज इन्फेक्शन हो, चाहे वो मल्टीपल हो, सभी चीजों का अपन पायोडर्मा बोलते हैं। इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, उसमें जो वेरिएंट्स हैं उसमें सिंपल बॉइल्स, बॉइल से लेके फरंकल, कार्बनकल, एरिसिपेलस, अलग अलग नाम है, बहुत सारे नाम है स्किन इन्फेक्शन के। तो अपन को बहुत ज्यादा डिटेल में इसके लिए जाना है, अपन को ओवरऑल देखा रहता है कि कोई भी हो स्किन का इन्फेक्शन जिसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो रहा है ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्किन का पायोडर्मा कहलाता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर कैसे होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसके रहते हैं कि कहीं ना कहीं उसको पस पॉइंट दिखता है, इसमें पायोडर्मा में कहीं ना कहीं उसको किसी भी टाइप का लीजन होगा ना उसमें पस पॉइंट जरूर दिखेगा, चाहे वो है अल्सर भी हो सकता है, वो किसी कह रहे ना स्किन की जो लेयर है ना किसी भी लेयर पे जा सकता है वो, चाहे वो डर्मिस हो, एपिडर्मिस हो, चाहे नीचे की हो, लेकिन उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उसमें कहीं ना कहीं पस पॉइंट दिखता है। इसके साथ पस पॉइंट के साथ साथ उसमें साइन ऑफ इन्फ्लामेशन दिखेगा, रेडनेस दिखेगी, इचिंग होगी, पेन हो सकता है। तो ये तीन एसोसिएटेड साइन दिखते हैं, पस के पस पॉइंट के साथ साथ साइन ऑफ इन्फ्लामेशन दिखेगा, इचिंग मिलेगी और पेन मिलेगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक चारों फीचर मिल जाते हैं पायोडर्मा में। अब ये ज्यादातर अपन को बहुत अलग अलग टाइप के लीजन मिल देखने को मिलते हैं। बहुत कॉमन लीजन मिलता है क्या, जो अपन बाल तोड़ बोलते हैं, है ना, जो उसको बोलते हैं फरंकल, किसी भी जो हेयर है ना, हेयर जो ये होता है, हेयर, हेयर के बाजू में क्या होती है सुपरफिशियल सेबेसियस ग्लैंड, जैसे सेबेसियस ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है एक पस पॉइंट ऐसे ही इन्फेक्शन इन्फेक्टिविटी हो जाती है। तो ये भी इसको भी अपन वही बोलेंगे क्या, पायोडर्मा। अब यूजली अपने पास स्किन की बहुत सारी कंडीशन होती है, उसमें से कॉमन होती है फंगल, जो कि फंगल इन्फेक्शन, डर्मेटाइटिस, एक्जेमा, ये ऐसी कंडीशन है कि अपन को लगातार इचिंग होती रहती है, लगातार इचिंग करते रहते हैं, नेल्स से इचिंग करते हैं तो क्या होता है इन्फेक्शन जाता है। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन है, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन है। कोई भी अल्सर हुआ, अपन को कोई भी घाव लग गया, घाव लगने के बाद उसमें अपन ने बहुत एक्सपोज रहा, उसमें कुछ ना कुछ मक्खी बैठती रही, ये बैठता रहा, बर्न हो गया, बर्न के बाद बैठता रहा, तो सब में से इन सब के में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, सभी को बोलते हैं पायोडर्मा। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बता दिया, जैसे ये फंगल एक्जिमा डर्मेटाइटिस है, इसमें अगर आपको वापस डीजीए मिल रही है मतलब उसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो गया है, तो आपको साथ में उसका ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस भी इसकी बहुत आसान है, हमने कहा कि चार जो फीचर है पेन, इन्फ्लामेशन, इचिंग और साइन ऑफ पस फॉर्मेशन, ये चार कैरेक्टरिस्टिक कहीं पे भी दिख रहे हैं तो क्लियर हो गया उसको पायोडर्मा है। ये दूसरी स्किन इन्फेक्शन जो ऑटोइम्यून डिजीजेस होती है, कई ऑटोइम्यून डिजीज, सोरियासिस, लाइकेन प्लेनस, इन सबसे थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इसमें नहीं होता है, ये क्योंकि सब में ये इचिंग वाली कंडीशन है और स्किन दिख जाती है, और इनके साथ साथ भी ये एसोसिएटेड होती है, इनमें भी जितनी भी कंडीशन है सब में कुछ इचिंग तो होती है, इचिंग इचिंग कर करके अपन सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन दे देते हैं। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांस, वार्मनेस दिखती ना उसमें, वहीं पे भी लीजन होगा, उसमें वार्मनेस दिखेगी, साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन दिखेंगे, पेन मिलेगा, तो एक कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है कि उसको पायोडर्मा हो गया है। तो डायग्नोसिस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता नहीं है। अब कॉज क्या है इसका, जो पायोडर्मा का मोस्ट कॉमन कॉज होता है ना वो बैक्टीरियल कोकस, जो ग्राम पॉजिटिव कोकाई होते हैं,
ग्राम पॉजिटिव कोकाई मोस्ट कॉमनली इसमें इन्वॉल्व होते हैं। 95% का केसेस में ग्राम पॉजिटिव कोकाई से इन्फेक्शन होता है, उसमें स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन है। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस ये अदर कॉजेज है, लेकिन मोस्ट कॉमन स्टेफ इन्फेक्शन होता है। यूजली बच्चों में बहुत कॉमनली मिलता है न्यूबॉर्न में, पूरे बॉडी में मल्टीपल छोटे छोटे से बॉइस हो जाते हैं, ये स्टेफ इन्फेक्शन के ही होते हैं, सीवियर इन्फेक्शन बोलते हैं उसको, सीवियर पायोडर्मा। तो ये कॉजेटिव एजेंट हो गया ग्राम पॉजिटिव कोकाई। अब कॉजेटिव एजेंट ग्राम पॉजिटिव कोकाई है तो सिंपल सा ट्रीटमेंट भी अपन को पता है ग्राम पॉजिटिव के लेना पड़ेगा। ट्रीटमेंट में क्या लेना पड़ता है इसके, ट्रीटमेंट में दो चीजें रहेंगी, लोकल और सिस्टमिक। लोकल में आपको क्या करना है, साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन ठीक करना पड़ेगा, तो एक पेन किलर और एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट देना पड़ेगा, सेरोसोपेप्टाइडेज या फिर अपना गाइमोफ्लेम टाइप की कोई चीज देनी पड़ेगी, साथ में डाइक्लोफेनेक और एटोलिक ऑक्सिड वगैरह दे सकते हैं। अब उसको जो स्किन है, स्किन को आपको जो क्रेस्ट बन गया स्किन में, स्किन को क्रेस्ट को रिमूव करना है, स्किन की इचिंग को ठीक करना है, इचिंग को ठीक करना है, क्रेस्ट को रिमूव करना है, और साथ में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसमें लोकल एंटीसेप्टिक या एंटीबायोटिक भी देनी पड़ेगी। तो आपको कुछ ऐसी चीज यूज करनी है जो इन सब चीजों को कवर कर लेती हो। तो ज्यादातर अपन ऐसे इन्फेक्शन में मल्टीपल चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे सब चीजें आती है जिसमें एंटी, थोड़ी बहुत माइल्ड स्टेरॉइड भी होता है, एंटीसेप्टिक भी हो जाता है, एंटी फंगल भी हो जाता है, जिससे इचिंग भी नहीं होगी और क्रेस्ट भी रिमूव होते रहेंगे। इमोलिएंट क्रीम भी दे सकते हैं इन्फेक्शन के लिए, एंटीसेप्टिक भी दे देंगे और थोड़ी इचिंग इचिंग नहीं हो, थोड़ा बहुत फंगल दिखा है वो भी दे देंगे अपन। तो जो फ्री ट्राइड आते हैं, कैंडिड टोटल क्रीम, फोर्डर क्रीम, ये कॉमनली यूज करते रहते हैं इसमें। ज्यादातर अपने जेनाइटल एरिया में जो इन्फेक्शन होता है ना, जेनाइटल एरिया में इचिंग होती है, तो ज्यादा इचिंग होने के कारण सेकेंडरी पायोडर्मा हो जाता है, तो अपन ये ऐसी क्रीम यूज करते हैं जिसमें कि आप मल्टीपल काम कर सकें। और सीवियर आपको लगा है सिर्फ पायोडर्मा है, सिर्फ इन्फेक्शन ही दिख रहा है अपन को, तो सिर्फ आप एंटीबायोटिक वाली दे दो, एंटीबायोटिक जो अच्छी एंटीबायोटिक रखनी, जैसे अपने बर्न वाले पेशेंट को अपन दे देंगे सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो उसके लिए, सिल्वर भी है ना, उसमें क्या है क्रेस्ट भी रिमूव होते जाएंगे। तो ये लोकल एप्लीकेशन हो जाएगा। लोकल के साथ सिस्टमिक देंगे, सिस्टमिक ड्रग्स कौन कौन सी दे सकते हो, सिस्टम के अपन को देखना है ग्राम पॉजिटिव कोकाई के लिए। ग्राम पॉजिटिव कोकाई के लिए क्या है, लिवोफ्लॉक्सेसिन, एजिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिक्लेव, क्लिंडामाइसिन, लिनाजोलिड, रैंकोमाइसिन, ये सब ग्राम पॉजिटिव कोकाई में काम करती हैं। इसके अलावा एक हमने बताया था अमीकासिन, वैसे तो ग्राम नेगेटिव है लेकिन इसका सबसे अच्छा कवरेज होता है स्टेफ के लिए, अमीकासिन भी देते हैं। ज्यादातर आपने देखा होगा कोई बहुत बड़े बड़े बॉयज होते हैं, लोग अमीकासिन इंजेक्शन लगवाते हैं, और इसलिए लगाते हैं कि इसके स्टेफ और स्टेफ का कवरेज बहुत अच्छा है अमीकासिन का। इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव कवरेज हमने बताई थी, ग्राम पॉजिटिव ये सब ग्राम पॉजिटिव कवरेज देती है मेडिसिन। तो अपन माइल्ड से इन्फेक्शन होता है तो लिवोफ्लॉक्सेसिन प्रेफर करते हैं, अगर थोड़ा ज्यादा है तो अमोक्सिक्लेव, लिनाजोलिड और वैंकोमाइसिन प्रेफर करते हैं। वैंकोमाइसिन इंजेक्टेबल आता है तो इंजेक्टर हमें देंगे, ठीक है। डोज इनका पहले बता चुके कैसा देते हैं, बस इतना ही है।